अस्सलाम वालेकुम, अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि अब जिसे कहते हैं बाद अस खराबी बिस्यार, यानी बहुत ज़्यादा खराबी होने के बाद अब यूएई के हुकाम ने एतराफ़ करना शुरू कर दिया है कि हालिया कोरोना वायरस के केसेस में जो इजाफा हो रहा है या जो कोरोना वायरस की अमवात में जो इजाफा देखने में आ रहा है उसकी असल वजह यह है गैदरिंग्स यानी तकरीबात, लोगों का मेल जोल और उसके साथ साथ लोगों का मास्क ना पहनना। ये इतराफ तो कर लिया गया है लेकिन अब ये पूछना चाहिए अथॉरिटी से, वहां के हुकाम से, कि अगर ये गैदरिंग्स हुई हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है और अगर मास्क लोगों ने नहीं पहने, खिलाफ वर्जी हुई है, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है। अब सबके इल्म में है कि वहां पर जो कवानीन हैं वो इतने सख्त हैं, जुर्माने के कवानीन हैं, कैद के, यहां तक कि कैद के कवानीन हैं बाज केसेस में, और भारी जुर्माने हैं, 5,000, 10,000, 50,000 दरम तक जुर्माने हैं। इसके बावजूद क्या वजह है कि गैर कानूनी तौर पर गैदरिंग्स हुई या क्या वजह है कि लोगों ने मास्क नहीं पहने और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? क्या ऐसा तो नहीं है कि गैदरिंग्स की तरफ से मुंह मोड़ लिया गया हो कि ठीक है गैदरिंग्स हो रही हैं तो हो रही हैं। मैंने आपको बताया था कि वहां की अथॉरिटीज का ये मानना था कि अब एक ही हल है कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएं, और हर्ड इम्यूनिटी का जो तजुर्बा उन्होंने किया है वो तल्ख साबित हुआ। अब सूरत हाल ये है जिस तरह मैंने कहा है कि बाद खराबी बिस्यार अब उनको ये एहसास हुआ है और इस बात का एतराफ अजमान की पुलिस चीफ ने किया है और उन्होंने कहा है कि जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि जो गैदरिंग्स हुई हैं बड़ी तादाद में और जो लोगों ने मास्क पहनने बंद कर दिए थे। इसी के साथ साथ एक अच्छी खबर है, उम्मुल कुवैन की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि अब उम्मुल कुवैन में तमाम लोगों को जो पीसीआर टेस्ट है वो मुफ्त किया जाएगा, लोगों का मुफ्त किया जाएगा। इसके लिए मुख्तलिफ मराकज बनाए जा रहे हैं। दूसरी जानब अबू धाबी की तरफ से खबर है वो ये है कि अबू धाबी ने एक मरतबा फिर अबू धाबी की हदूद में तमाम सिनेमा घरों को बंद करने के अहकाम दिए हैं और फौरी तौर पर तमाम सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, उनको अब 40% कैपेसिटी पर रखने का फैसला किया गया है, यानी जहां पर 100 अफराद की गुंजाइश है वहां पर सिर्फ 40 अफराद के जाने की गुंजाइश रखी जाएगी। यानी आप समझते हैं जिस तरह पहले था 30% था, अब अबू धाबी ने 40% कर दिया। और तमाम चीजों का, इन फैसलों का जो इन्हिसार है, बल्कि इन फैसलों की जो वजूहात हैं वो एक ही है कि जो इस वक्त कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो हाथ से निकलती जा रही है और अब एहसास किया जा रहा है कि गुज़श्ता दिनों या गुज़श्ता 2 माह के दौरान नवंबर और दिसंबर में जिस तरह की बेएहतियाती बल्कि बद एहतियाती की गई वहाँ पर यूएई में, ख़ास तौर पर दुबई में, और उसका जो खमियाजा है अब पूरा यूएई भुगत रहा है। और अगर आप ब्रेकअप निकालें ये जो केसेस हैं तो आप देखेंगे कि इसमें अबू धाबी में, शारजा में, बाकी रियासतों में केसेस ना होने के बराबर होंगे। जो जितने भी केसेस हैं 90% या 80-90% जो केसेस हैं वो आपको दुबई में नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि मैं इस तरह हमेशा आपको बताता रहता हूं कि वहां पे दुबई इज अ मल्टी नेशनल एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी, वहां पे दुनिया के हर मुल्क से, हर जगह से लोग वहां पर आकर बसते हैं। लेकिन साथ ही साथ दुबई ने जो बेएहतियाती की है, न्यू ईयर के मौके पर बड़े बड़े फंक्शंस हुए, बड़ी बड़ी पार्टीज हुई, बड़े बड़े हंगल्ला गुल्ला हंगामे ये वो, और पूरी दुनिया से सयाह वहां पर आए। और जब पूरी दुनिया से लोग आते हैं तो आप खुद सोच लें, अगर एक मुल्क से एक शख्स भी अगर वायरस अपने साथ लेकर आता है
तो फिर आप सोच सकते हैं, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि बाकी मुल्क का क्या हाल होगा। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए इस बात का एतराफ तो कर लिया गया है। आपको ये मालूम होगा कि 4-5 दिन पहले तक, बल्कि 3-4 दिन पहले तक वहां का मीडिया ये कह रहा था जी कि फॉरेन मीडिया बकवास कर रहा है यूएई के हवाले से, यहाँ पर बेहतरीन हालात हैं, बेहतरीन सहूलियात हैं और यहाँ पर कोई वायरस की सूरत हाल संगीन नहीं। लेकिन अब अजमान के पुलिस चीफ ने इस बात का एतराफ किया है, तो इसको हम क्या समझें? क्या ये दोहरा मेयार नहीं? फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।